तो अब हमारा फॉरेंसिक का नेक्स्ट टॉपिक है ऑटोपसी या पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ठीक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें मेनली पैथोलॉजिकल मेडिकल लीगल ऑटोप्सी के बारे में डिफरेंस पूछ लेते हैं या फिर मेडिकल लीगल ऑटोप्सी में भी शॉर्ट नोट पूछ लेते हैं ठीक है और क्या पूछा जाता है नेगेटिव ऑटोप्सी में काफ़ी बार शॉर्ट नोट पूछा गया है टाइप ऑफ इंसिजन पूछा गया है और कैसे अपन ऑर्गन को सेपरेट करते हैं वो पूछा गया तो इस वीडियो अपन में यही डिस्कस तो स्टार्ट करते हैं ऑटोप्सी और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है साइंटिफिक डिसेक्शन ऑफ द डेड बॉडी साइंटिफिक डिसेक्शन होता है डेड बॉडी का अपन उसको क्या बोलते हैं अपन ऑटोप्सी ठीक है पैथोलॉजिकल और मेडिकल लीगल दो टाइप के मेनली इसके टाइप होते हैं ऑटोपसी के ठीक है सबसे पहले पैथोलॉजिकल ऑटोसी क्या होता है एकेडमिक और क्लिनिकल ऑटोप्सी ठीक है तो इसमें क्या है कि ये अपन स्टडी पर्पज़ के लिए करते हैं कोई भी किसी भी पर्सन की डिसीज से डेथ हुई तो अपन उसकी स्टडी करने के लिए अपन उसका ऑटोप्सी करते हैं ठीक है तो इसमें क्या है कॉन्सेंट ऑफ रिलेटिव इज मैंडेटरी जो रिलेटिव्स हैं उसके उसके अपन को कॉन्सेंट लेना पड़ेगा कि हम ये स्टडी करना चाहते हैं कि हम ऑटोप्सी कर सकते हैं तो उसका कॉन्सेंट जरूरियत है इट इज़ डन टू एक्वायर नॉलेज विच विल भी यूजफुल फॉर क्लिनिशियन वाइल ट्रेटिंग सिमिलर पेशेंट इन फ्यूचर तो उसी सेम uh, डिसीज को ट्रीट करते टाइम के uh, uh, उसकी डेथ ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन इसमें स्टडी करते हैं कि कैसे कैसे अपन टेक्नोलॉजी या फिर क्या क्या अपन यूज करके उसको सही कर सकते हैं ठीक है फिर नेक्स्ट आता है मेडिकल लीगल ऑटोपसी इसलिए क्या है इसका इन्वेस्टिगेटिव साइंटिफिक डिसेक्शन ऑफ द डेड बॉडी इन्वेस्टिगेटिव ठीक है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं अपन इसमें ठीक है तो इन्वेस्टिगेटिव साइंटिफिक डिसेक्शन ऑफ द डेड बॉडी होगी डेफिनेशन इसकी ठीक है फिर इट इज डन अंडर एन ऑथराइजेशन ऑफ द पुलिस इसमें पुलिस का ऑथराइजेशन होना बहुत जरूरी है वो भी सब इंस्पेक्टर के ऊपर के लेवल का ना सब इंस्पेक्टर होना चाहिए फिर उसके ऊपर के लेवल होना चाहिए ठीक है उसके नीचे नहीं होना चाहिए ठीक है फिर इसमें कंसेंट की जरूरत नहीं है रिलेटिव की नो नीड फॉर द कंसेंट ऑफ द रिलेलेटिव सिंस इट इज डन अंडर एन ऑथराइजेशन कि ऑलरेडी ये ऑथराइजेशन में हो रहा है तो कंसेंट लेने की कोई भी जरूरत नहीं है ठीक है मेडिकल लीगल ऑटोप्सी आर डन इन ऑल अननेचुरल एंड सडन डेथ जितनी भी अननेचुरल और सडन डेथ होंगी उन सब में अपन को मेडिकल लीगल ऑटोप्सी करनी है ठीक है फिर अपन ने ये इनक्वेस्ट में पढ़ा था कि कैसे कैसे पंचनामा वगैरह रेडी किया जाता है ना प्रीवियस वीडियो में देख लेना फिर एम या ऑब्जेक्टिव क्या है मेडिकल तो नेचुरल है. है? है या अननेचुरल है अननेचुरल भी डेथ हुई है इसकी तो एक्सीडेंटल है, है या होमिसाइडल है ठीक है फिर नेक्स्ट एम क्या है टाइम सिंस डेथ कितना टाइम हुआ है इसको को, इस डेड बॉडी को कितना टाइम हो गया वो मरे वो पता करना भी इसका एम होता है डॉक्यूमेंटेशन नेक्स्ट एम है डॉक्यूमेंटेशन ऑल द इंजरी प्रेजेंट ऑन द बॉडी मस्ट भी डॉक्यूमेंटेड जितनी भी इंजरी प्रेजेंट है बॉडी में सबको डॉक्यूमेंट करना ठीक है कि कहाँ पर कट लगा है हाथ में लगा तो पर्टिकुलर कौन सी जगह पे लगा तो पूरा एक एक चीज लिखना है ना वो डॉक्यूमेंटेशन करना और सर्जन ऑल्सो हैज टू एसिस द मोड ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द इंजरी कैसे इंजरी लगी है टाइप ऑफ इंजरी कौन सी इंजरी है कंट्यूजन है एब्रेशन है इंसिजन है कैसी इंजरी है ठीक है प्रोबेबल वेपन यूज और कौन सा वेपन यूज हुआ है इस इंजरी में वो भी बता, बताना मतलब कि कौन सा यूज हो सकता है तो वो बताना जरूरी होता है फिर नेक्स्ट एम है टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल वेन नॉट नोन अगर कोई डेड बॉडी पहचान नहीं आ रही है तो उसको पहचानना भी ये एक एम होता है इसका टू प्रिजर्व रिलीवेंट टिश्यू एंड ऑर्गन और ऑर्गन और टिश्यू को प्रिजर्व करना भी ये एक एम है कि फर्दर एनालिसिस के लिए जैसे कि हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन केमिकल एनालिसिस जो कि पॉइजनिंग के केस में अपन को करना पड़ता है बहुत सारे केसेस हैं जिसमें अपन को यह हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के ले जाना जरूरी होता है ठीक है तो ये पांच एम हो गए सबसे पहले क्या होगा कॉज ऑफ डेथ पता करना टाइम सेंस डेथ पता करना डॉक्यूमेंटेशन करना आइडेंटिफिकेशन करना और रिलेवेंट टिश्यू और ऑर्गन को प्रिजर्व करना ठीक है तो ये होगा इसके क्या एम हो होगा ठीक है ठीके? अब नेक्स्ट आता अदर टाइप अदर टाइप्स में आता है वर्चुअल ऑटॉप्सी ठीक है कंप्लीट इमेजिंग ऑफ द बॉडी थ्रू सी एमआरआई, थ्री डी है इसको अपन असली में डिसेक्शन नहीं करते अपन इमेजिंग लेते हैं एमआरआई थ्री डी से और उसकी ऑटोप्सी कर देते हैं एंडोस्कोपिक ऑटोपसी एंडोस्कोप डाल के ऑटोपसी मतलब कुछ भी फाइंडिंग करना है ऐसा नहीं ऑटोपसी मतलब कि पूरा चीर फाड़ कर देना ठीक है तो एंडोस्कोपिक ऑटोपसी इसको बोल देते हैं कि एंडोस्कोप डाला तो ठीक है नीडल ऑटोप्स बायोपसी के टाइम जैसे अपन जो सैंपल लेते हैं तो वैसे नीडल से अपन सैंपल लेके तो वो उसको नीडल uh, ऑटोपसी बोल देते हैं साइकोलॉजिकल ऑटोपसी और वर्वल ऑटोपसी ये क्या है इंटरव्यूइंग रिलेटिव एंड फैमिली तब भी कोई इन्वेस्टिगेशन करना हो पता करना हो कि इसको क्या हो सकता है क्या कॉज ऑफ डेथ हो सकता है तो इंटरव्यू लेके जो ओटोपीसी करी गई मतलब कि पूछ ना कुल मिला के तो उसको अपन साइकोलॉजिकल ओटोप्सी बोल दे ठीक है ना इसमें डिस्कशन नहीं किया बस पूछ है इंटरव्यू किया ठीक है तो ये थोड़े अदर टाइप होगा अब दो इंपॉर्टेंट टाइप आते हैं और अपना नेगेटिव ऑटोपसी ठीक है ऑब्सिक्योर ओटोप्स में क्या है अबाउट ट्वेंटी परसेंट ऑफ ऑल पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन अपन जितने भी एग्जामिनेशन uh, करते हैं जितनी भी ओटोपसी करते हैं उसमें से बीस परसेंट किसी में क्या होता है कॉज ऑफ डेथ में नॉट बी क्लियर एट द टाइम ऑफ डिसेक्शन डिसेक्शन करने के टाइम पता ही नहीं चलता है कि डेथ किस वजह से हुई है तो कॉज ऑफ डेथ कैन भी मेड आउट आफ्टर डिटेल्ड क्लिनिकल लैब इन्वेस्टिगेशन हिस्ट्री एंड इंटरव्यू तो ये सब टेस्ट करने के बाद अपन को कॉज ऑफ डेथ पता चलती है ऐसे कौन से कॉजे हैं जिनमें ऐसा हो सकता है जैसे कि एपिलेप्सी पेर फिबिलेशन वेगल इनिवेशन ऑफ हार्ट यूरमिया इन सबके केस में डिसेक्शन के टाइम में पता नहीं चलता कॉज ऑफ डेथ फर्दर लैब इन्वेस्टिगेशन और हिस्ट्री लेने के बाद अपन को पता चलता है कि ये हो सकता है कॉज ऑफ डेथ ठीक है फिर नेक्स्ट आता है नेगेटिव ऑटोप्स नेगेटिव ऑटोप्स क्या है बहुत ध्यान से सुनना शॉर्ट नोट पूछा जाता है कई बार इन अबाउट टू टू फाइव परसेंट ऑफ ऑल पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन कॉज ऑफ डेथ इज अनोन इवन आफ्टर लैब टेस्ट माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन एंड टॉक्सोलॉजिकल एग्जामिनेशन ये टेस्ट करने के बाद भी कॉज ऑफ डेथ नहीं पता चलता है तो उसको बोलते हैं अपन नेगेटिव ऑटोपसी ठीक है कॉज क्या क्या हो सकता है एन हिस्ट्री ली हिस्ट्री अच्छे से नहीं ली है एग्जामिनेशन लैब अच्छे से नहीं किया लैक ऑफ ट्रेनिंग ऑफ द डॉक्टर डॉक्टर ट्रेनिंग है ठीक है तो इन सब के वजह से नेगेटिव ऑटोप्सी आती है ठीक है कॉज ऑफ डेथ पता नहीं चलता है ठीक है तो ये था ऑटोपसी के टाइप्स अदर टाइप्स बता दिए और मेनली मेडिकल लीगल और पैथोलॉजिकल ऑटोसी होता थी ठीक है अब नेक्स्ट आते हैं ऑटोपसी के प्रोसीजर कैसे करते हैं पूरी ऑटोसी के प्रोसीजर मैं नहीं बता रहा सिर्फ मैं दो चीज बता रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है स्किन इन पूछा जाता है पेपर में और ऑर्गन को कैसे सेपरेट करते हैं वो पूछा जाता है कभी कभी ठीक है तो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन और इंटरन एग्जाम -exam, दो एग्जामिनेशन होते हैं ऑटोसी में एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में क्या होता है आइडेंटिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंजरी करते हैं ठीक है इंटरनल एग्जामिनेशन में क्या करते हैं डिसेक्शन करते हैं प्रॉपर डिसेक्शन जो तीनों कैविटी उनको खोलते हैं प्रॉपर और उनका डिसेक्शन करते हैं ठीक है तो मैं बता रहा हूँ स्किन सीजन के कैसे शुरू करते हैं स्किन सीजन पूछा जाता है कभी कभी तो स्किन सीजन तीन टाइप के हैं सबसे पहले आई शेप्ड इंसीजन जो कि मोस्ट कॉमन होता है तो कहां से शुरू करते हैं अपन चिन से लेते हैं इंसीजन और प्यूबिक सिंपाजी तक खींच देते हैं ठीक है और इसमें अब्लाइकस को प्रिजर्व करके रखते हैं अम्बलाइकस को नहीं छेड़ते हैं ठीक है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है तो एम्लाइकस को छोड़ के अपन नीचे तक चले जाते हैं तो ठीक है ये सबसे पहला इन हो गया आई सेफडिंग सीजन ठीक है मोस्ट कॉमनली यूज होता है फिर नेक्स्ट आता है वाई सेफडिंग सीजन तो इसमें कहाँ से स्टार्ट करते हैं टू इन राइजिंग फ्रॉम बाइलेटल एक्रोमियन प्रोसेस तो यहाँ से बाइलेटल एक्रोमियन से स्टार्ट करेंगे ठीक है एक्सटेंडेड ब्लो द ब्रेस्ट ब्रेस्ट के नीचे तक ले जाएंगे ठीक है ठीक है फिर मीट्स एट जेफाइड प्रोसेस यहाँ पर जेफेट प्रोसेस में मीट हो जाएगा दोनों को ब्रेस्ट के नीचे लेगा ले ले और जेफेट प्रोसेस में मिला दिया और वर्टिकल डाउन टू द प्यूबिक सेंफाइसिस ठीक है फिर ये नीचे वर्टिकल डाउन टू द प्यूबिक सम्फाइसिस कहाँ से लिया एक्रोमियन से फिर ब्रेस्ट के नीचे ले गए फिर जो जेफेट प्रोसेस में मिलेगा और प्यूबिक सेंफाइसिस तक ले जाएंगे ठीक है तो अपन ये करेंगे वाइस शेडिंग सीजन में और ये मेनली फीमेल्स में किया जाता है फॉर कॉस्मेटिक परपजस के लिए है ना कि ब्रेस्ट को प्रिजर्व करके रखना है डेड बॉडी में तो उस लिए अपन करते हैं यहाँ से नीचे से सेन लगाते हैं ठीक है अब अपना नेक्स्ट इंसिजन आता है मॉडिफाइड बाई सेफ डिजन तो इसमें दो इंसिजन स्टार्ट अपन कहाँ से करते हैं बायलेटल एट द मेस्टोड प्रोसेस तो यहाँ ऊपर दिख रहा होगा दोनों मेस्टोड प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे फिर कहां जाएंगे मीट मीडियली एट द सुपर एक्सटर्नल नॉच यहाँ पर सुपर एक्सटर्नल नॉच में मीट करेंगे और फिर नीचे एक्सटेंड टू द प्यूबिक सिंफा सेम ठीक है तो इसको क्या बोलते हैं अपन मॉडिफाइड वाई सेफ इंसन ठीक है modified, वही मेस्टोइड प्रोसेस से लेके सुपर एक्सटर्नल नॉच फिर नीचे प्यूबिक प्यविक तक ठीक है यूज्ड इन एग्जामिनेशन ऑफ नेक इन एक्सटेसियल डेथ है ना जब भी ऑफ स्ट्रेंगुलेशन या हैंगिंग से डेथ हुई हो उसको पता करने नेक का ब्लडलेस डिसेक्शन करने के लिए अपन ये वाला मेथड यूज करते हैं अपन ये वाला इंसिजन लगाते हैं ठीक है फिर अपन देखते हैं कौन कौन सी टेक्निक है टेक्निक ऑर्गन निकालने की कौन कौन सी टेक्निक है सबसे पहली टेक्निक है लेटुल उसको बोलते हैं एन मासी बोलते हैं कि पूरा जो ऑर्गन है ंग से लेके एनस तक पूरे जितना ऑर्गन है पूरा अपन एक मास की तरह बाहर निकालें तो उसको बोलते हैं अपन एन मास या फिर लैट्युल टेक्निक ठीक है फिर ने, नेक्स्ट आता है वर्चुअ इंडिविजुअल एक एक ऑर्गन को किडनी अलग निकाली लंग्स अलग निकाले एक एक ऑर्गन को अपन अलग निकाले और उसका डाइसेक्शन कर रहे हो तो उसको बोलते हैं अपन वर्चुअल ठीक है वर्चो, फिर नेक्स्ट आता है गोन सेपरेट ब्लॉक डाइसेशन एंड ऑर्गन सेपरेशन जैसे कि पूरा कार्डियोस्कुलर सिस्टम या फिर जो कार्डियक कैविटी है तो कार्डियक का पूरा एक ब्लॉक निकाल लिया वो ऑर्गन सिस्टम पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स और आसपास का टिश्यू एक साथ निकाल लिया तो पूरे एक ब्लॉक की तरह निकाला है ना एक एक ऑर्गन को तो अलग भी नहीं निकाला पूरा एक साथ भी नहीं निकाला एक ब्लॉक की तरह निकाला है ना कार्डियक कैविटी है तो उसके कार्डियक हार्ट और उसके स्तर सारे निकाल दिया है ना और अपन रेस्पिरेटरी निकाल लिया तो पूरे लंग्स उसके साथ निकाल लिया लंग्स और उसके आसपास के जितने भी ऑर्गन है ठीक है फिर रॉकिंग्स की क्या आता है ऑर्गन डिसेक्शन इन सिटू बॉडी के अंदर ही ऑर्गन रहेगा उसके अंदर ही उसका डिस्ट्रिक्शन करना उसका पता लगाना तो उसको बोलते हैं रॉकिंग्स की तो ये चार टाइप के इवेसरेशन टेक्निक है लेट्यूले वर्चो गोन और ऑगेंस की तो ये है जो कि ऑटोप्सी के बारे से पूछा जाता है तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे ये कर लेना थैंक यू